रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ेदार से टाको बनाने जा रहे हैं जो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से बनेंगे, यानी कि बीफ के और चिकन के और साथ में आलू के। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीफ में ऐड करने के लिए मैंने एक अदद प्याज और थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया ले लिया। इसे हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। और चिकन के लिए मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाली है, बाकी सारा सामान मैंने वही लिया है। तो चलिए इसे चॉप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मसालों को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इसे अब इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। और मसालों में हम यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और यहाँ पे हमने ज़ीरा भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है, भर के लिया था इसको। धनिया पाउडर, लाल मिर्च मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून ली है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है तो वो काफ़ी स्पाइसी है इसलिए। यहाँ पर गर्म मसाला भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये काली मिर्ची हैं। और यहाँ पे मैंने टाको मसाला ले लिया, इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो चिकन का लिया था उसमें भी सेम मैंने मसाले वही ऐड किए जो इसमें ऐड किए हैं। तो बस इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीफ वाला और चिकन वाला दोनों को मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसे कुछ देर के लिए रेस्ट पर ज़रूर रखिएगा, उससे अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक रोटी यानी कि एक टोटिया ले ली है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मैदे की रोटी या घर की जो रोटी है वो भी ले सकते हैं। तो इसे अब हमें इसके ऊपर बीफ का जो हमने कीमा मैरिनेट किया था उसको मैं लगा रही हूँ, अच्छे से लगा दूँगी। इस तरह से हम अच्छे से कीमा लगा लेंगे। अब मैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिकन के कीमे को भी अच्छे से लगा दिया। अब इसको भी हम इसके अंदर रख देंगे इसी तरह से, उल्टी साइड से ही। अब अच्छे से इसे पका लेंगे। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे रेडी होने में। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका कलर आया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी सॉस लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम रख लेंगे चीज़। चीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम रख लेंगे अपने फेवरेट, जो भी सैलेड आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। थोड़े से सैलेड के पत्ते और थोड़ा सा आनियन हमने चॉप किया हुआ था उसको भी रख लेंगे। और थोड़ा सा एवोकाडो भी ऐड कर लेते हैं। तो बस ये हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम आलू वाला बना लेंगे, यानी पोटैटो का, जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से मैश करके आलू को उसमें नमक मिर्च और सिर्फ प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया था। बाकी आप मसाले अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम आप आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये बहुत जल्दी बन जाएगा बस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से टाको रेडी हो चुके हैं। बीफ वाला, चिकन वाला और ये आलू वाला हमारे तीनों रेडी हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों बड़ों और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।